गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थर्ड पोएट्री फ्रॉम योर बुक बिहाइव ऑफ क्लास नाइन्थ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेन ऑन द रूफ रेन ऑन द रूफ रिटर्न बाय कोड्स किन्नी अब देखो ये चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट रेन वन ऑफ द नेचुरल फिनोमिना जिस को जनरली वेन वी इंजॉय वेन मेर आउट ऑफ द होम सो लेट्स बिगेन विद द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वेन द ह्यूमिड शेडो होव वन सेक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब आप लोग इसको लिखेंगे तो देर आर सेवरल वर्ड्स जिसका मीनिंग मैं बताऊंगी यू ट्राई टू कॉपी दैट मन इन योर कॉपीज वेन द ह्यूमिड शैडो होव over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tear what a bless to press the pillow of a cotton cha cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead so let's discuss the first uh, paragraph ह्यूमिड मीन्स होता है नमी के साथ रहना मॉइस्चर कंटेनिंग ठीक है शेडो हियर इज टोल टॉक अबाउट क्लाउड्स होवर जो घूमते हैं ना ऊपर ऊपर मूविंग ऑल अराउंड अबव जैसे यू माइट हैव सीन द ड्रोन कैमराज इट मूव्स ऑल ओवर ऊपर घूमता है तो वो हम लोग को होवर कहलाता है होवर अराउंड ठीक है तो फर्स्ट ह्यूमिड शेडो स्टार्लीस फेयर इज टॉक्ट वी टॉक्ट अबाउट द स्काई उसको कहा जा रहा है मेलेक्ली सैड जेंटली वीनी टीयर ब्लेस मीन्स होता है इज द साउंड ऑफ द रेन द ड्रॉप ऑन द रूफ जब बारिश की बूंद छतते गिरती है तो उसमें से जो आवाज आती है उसको पैटर कहते हैं सुनाओ लेट्स डिस्कस अब पोएट कह रहा है कि जब मॉइस्चर कंटेनिंग बादल चारों तरफ आकर के मंडराते हैं ओवर दस स्काई में रात में रात में स्टार रात में दिखाई देता है दिन में नहीं दिखता है तो इन द स्टार स्पेयर्स जब वो काले बादल आकर के मंडराते हैं ऐसा लगता है द मिलैंकली डार्कनेस चारों तरफ उदासी छा गया है ऑल द पीपल ओवर जितने बादल जो हैं, वो पूरे उदासी लेकर के आए जब भी अंधेरा होता है डार्कनेस होता है वी रिजेंबर दैट थिंग्स टू सैडनेस कभी भी अंधेरे को और बादल को घने बादल को हम लोग खुशी का प्रतीक नहीं मानते ऑलवेज इट इज कंपेयर टू द सैडनेस उसने कहा कि चारों तरफ जैसे सैडनेस सी छा गई है बट अ ब्लेस पर उस मौसम में भी जो पोएट है वो ब्लेस ही वॉज वेरी हैप्पी वाई इन दैट वेदर ही यूज टू प्रेस दिलो अपने पिल्लो को पकड़ करके अपने कॉटेज चैंबर कॉटेज चैंबर इज चैंबर इज ए रूम ठीक है अपने बेडरूम में जाकर के अपने पिलो को पकड़ के वो सो जाता था एंड बाई लाइन ही यूज टू लिसन द पैटर्न ऑफ दैट रेन वो रेन की आवाज जो होती थी वो उसको एंजॉय करता था सॉफ्ट एंड ओवर हेड जो बारिश की बूंद उसकी छत में गिर रही है उसको दैट मीन्स पोइ ये कहना चाहता है कि बादल जो है वो घने बादल आते हैं ऐसा लगता है कि उदासी सा छा गया है चारों तरफ और वो बादल जो है वो इतने उदास होते हैं कि इट जनरली स्टार्ट वीपिंग कभी कभी बच्चे को बोला भी जाता है व्हेन देयर इज क्लाउड ओ नाउ द आर गोइंग टू वीप तो द पोईट यूज टू से द रेनी टीयर्स आंसुओं की तरह से कंपेयर करके कहा कि अब बादल आ गया वो रोना शुरू करेंगे और उस मौसम में पोइट क्या करते थे अपने रूम में ही यूज टू प्रेस द पिलो एंड लाई देयर एंड लिसन द पैटरिंग ऑफ दैट साउंड रेन एवरी टिंकल ऑफ द शिंगल्स हैज एंड इको इन माई हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इन टू बु बिजी बींग स्टार्ट

या फिर देखोगे चौड़ा चौड़ा स्क्वायर स्क्वायर बनकर के हम लोग रूफ में लगाते हैं स्लोप्स दैट इज कॉल्ड शिंगल इकोज मींस होता है गूंजना ठीक है ड्रीमी फैंसीज वो सपने में जो बुनते रहते हैं इमेजिनेटिव ड्रीम्स रिकलेक्शन भी यहां थॉट्स को कहा जा रहा है वीव्स जो बुनते हैं दैट इज वीविंग वूव यू माइट द कपड़े को देखोगे तो वो कुछ टाइप से बने हुए रहते हैं इधर से एक उधर से तो वो जो होता है वो कहल, वुव कहलाता है वो थ्रेड का जिगजैग करके बना रहना जिससे कपड़ा फाइबर मेरा तैयार होता है हम लोगों का दैट इज कॉल्ड वूव नाउ लेट्स स्टार्ट एवरी टिंकल हर एक बूंद जब वो आवाज करती है छोटी छोटी सी बूंद जब छत पे गिरती है ऐसा लगता है कि उस पोइट के दिल में एक इको सा साउंड कर रहा है इट्स इकोइंग बहुत चीज गूंजने लगता है इज सो मच लव दैट साउंड कि उसके दिल में वो आवाज जो थी वो गूंजने लगती है और उस बारिश के मौसम में उसके दिमाग में हजार तरह के ड्रीम्स उभर करके आते हैं बहुत कुछ वो सोचने लगता है इन टू बिजी बींग स्टार्ट मतलब उसका दिमाग जो है वो बिजी बींग हो जाता है बहुत बिजी हो जाता है कुछ कुछ थॉट्स कलेक्ट करने में ये थॉट्स इमेजिनेशन एक तो इमेजिनेटिव थॉट इमेजिन व्हाट यू बी इमेजिन जो चीज नहीं होती है या जो चीज हम लोग करने वाले होते रिकलेक्टिंग और दूसरा होता है थाउजेंड रिकलेक्शन यहाँ पे रिकलेक्शन मीन्स होता है ओल्ड थॉट वॉट इज डन इन द पास्ट उसको अब ये दोनों जो मिल रहे हैं तो वो एयर लाइक थ्रेड से वीव करना शुरू हो रहे हैं नए थॉट्स और पुराने थॉट्स मिलकर के वीविंग का काम हो रहा है वो बुन रहे हैं सपने और एक नया तरह का थॉट उसको समझ में आ रहा है दैट मीन्स ऑल आर जम्बल इन हिज हेड एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दैट नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर अब उस सोच में जब पोएट सोच रहा था और उसकी सोच में सबसे पहले आती है उसकी माँ एंड शी यूज टू यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम ऐरा, she left them till the till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingle by the patter of the rain. A gone means यहाँ पे होगा गुजरा हुआ वक्त, ता the past time, ठीक है? Past. ऐरा जो होता है वो भी होता है, old poetic words ये ऐरा एक एरा और एक लिस्ट जो है ये ओल्ड पोएटिक वर्ड है ठीक है ओल्ड पोएटिक वर्ड में ये दोनों चीज यूज होता था एरा का मीन्स होता था बिफोर और लिस्ट मीन्स होता है लिसन आई एम रिपीटिंग दीज टू आर ओल्ड पोएटिक वर्ड्स एरा एंड लिस्ट एरा का मतलब होता है बिफोर और लिस्ट का मतलब होता है लिसन पुराने टाइम में पोईम में ये चीज यूज किया जाता था डाउन इन द मॉर्निंग टाइम सुबह के वक्त को कहते हैं डाउन रिफ्रेन रिफ्रेन मीन्स होता है रिपीटेशन ऑफ सॉन्ग सॉन्ग जब गाने में कोई लाइन जो बार बार दोहराया जाता है पोएम में कोई लाइन बार बार दोहराई जाती है उसको कहा जाता है और यहां पे किस चीज को दोहराया जा रहा है बारिश की आवाज को तो नाउ स्टार्ट अब उसके ख्याल में अब उसकी सोच में उसकी मदर आती है जो कि बहुत पहले गुजर चुकी हैं और पांच के दिनों में उसकी मां कहती थी शी रिगार्ड उसको डार्लिंग hmm. ड्रीमर नाम से बुलाती थी जस्ट बिकॉज ही लव ड्रीमिंग वेन इट ट्रेन दोइ लव ड्रीमिंग एंड शी अप्रिशिएट दैट बिफोर शी लेफ्ट दे टिल द डाउन एंड शी लेफ्ट दैट वन टू ड्रीम टिल डाउन सुबह तक वो उस ख्यालों में खोया रहे वैसा उसको छोड़ देती थी आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी उसको लग रहा था अभी भी माँ उसको वहां से देख रही है एम दैट मीन्स शी हैड पास्ड अवे एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेंड जैसे वो बारिश की बूंद को उसके वो गाने को बार बार उस आवाज को बार बार सुन रहा था उसकी माँ उसको जरूर देखती होगी विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल क्योंकि वो अभी कौन सा गाना सुन रहा है जो सिंगल पे जो रेन उसकी छत पे गिर रही उसकी आवाज सुन रहा है बाय द पैटर ऑफ द रेन बाय पैटरिंग ऑफ द रेन वो सुन रहा है तो हियर इट्स एंड दैट इज द पोएट वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग अबाउट रेन वो रेन के रेन के थ्रू अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि बारिश होती है तो हाउ ही फील्स वॉट आर द थिंग्स ही स्टार्ट अपने सपनों में अपने सपनों में खो जाता है अपने इमेजिनेशन को अपने पास थॉट को वो स्टार्ट वो सब एक कट्ठा करने लगता है उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती थी वह ट्रेन उसकी माँ उसको उसके सपने को सराती थी और वो छोड़ देती थी कि सुबह तक वो अपने सपने को बुनते रहे इट इज क्लियर दैट द पोएट लव नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइस द लिटरेरी डिवाइस दैट आर प्रेजेंट इन दिस पोएट्री फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज राइम स्कीम ठीक है अब इसमें राइम स्कीम क्या है लुक हियर हम लोग पैराग्राफ वाइज चलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइम स्कीम्स आर ए देन स्पेयर बी डार्कनेस सी तो वो ए बी सी टीयर एंड स्पेयर अ सेम दैट इज बी देन इट्स पिलो डी बेड ई पैटर्न एफ एंड ओवर हेड ई यू बेड एंड ओवर हेड आर सेम तो राइम स्कीम क्या बना ए बी डी ई एफ ई ठीक है तो इस पोएम का राइम स्कीम हुआ ए बी सी बी ई एफ ई फर्स्ट पैराग्राफ और यही राइम स्कीम आपका तीनों पैराग्राफ में कंटिन्यू रहेगा सो द फर्स्ट राइम स्कीम इज फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज राइम स्कीम जो अभी मैंने बताया दूसरा पोइटिक डिवाइस आएगा आपका एलिट्रेशन देखो तो बहुत प्रोमिनेंट है इन अप्रोक्स एवरी पोएटी यूल फाइंड एलिट्रेशन और एलिट्रेशन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है इसलिए आई वोन्ट रिपीट आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो दैट आई वोट रिपीट द डेफिनेशन अगेन यू हैव टू कैच ग्रैफ्स द थिंग्स एंड रिमेंबर इट अब यहां पे एलिट्रेशन क्या होता है एलिट्रेशन कहां है इन द फर्स्ट लाइन लुक ह्यूमिट होवर एच फर्स्ट सेकेंड लाइन स्टारी एंड स्पेयर एस याद आ गया एलिटरेशन क्या होगा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सनेट साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ इन द क्लोज कॉन्टेक्स जो पास में मिला जुला रहता है वर्ड एक लाइन में जो स्टार्टिंग कॉन्सनेट साउंड होता है उसको कहते हैं ह्यूमिड होवर स्टारी स्पेयर देन कम टू लाइन फाइव पिलो प्रेस देन इन द सेवेंथ लाइन लास्ट लाइन ऑफ ओवर तो यह तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ का एलिट्रेशन हो गया इन द सेकेंड पैराग्राफ वॉट आर द एलिट्रेशन इन लाइन फोर बिजी बीइंगन इन लाइन दिस वन वीव सिक्स लाइन देअर थ्रेड क्लियर एंड द लास्ट पैराग्राफ

तो यहां पे बारिश को आंसू दे दिया गया रोना रोने रोने से कंपेयर किया दैट मीन्स यहां पे पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है देखो एक और यहां पे पोइटिक डिवाइस है ऑन मार्पिया ऑन मार्पिया दिस माइट यू माइट नॉट नो ओ एन ओ एम ए टी पी टी ओ पी आई ए दिट इज ऑन मार्पिया रिटर्न समथिंग एल्स प्रोनाउंस ऑन मार्पिया इसका मतलब होता है जब कभी भी किसी साउंड को हम लोग लो पोएम में यूज करें किसी चीज की भी साउंड हो ठीक है द साउंड ऑफ एनी थिंग इज कॉल ऑन मार्पिया अब यहां पर देखोगे कुछ साउंड को बार बार यूज किया गया है इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट्स पैटर लास्ट में भी पैटर है फिर यहाँ पे टिंकल है ठीक है ये तीन आपका पोएटिक यहां पे ऑन मारपिया है पोइटिक डिवाइस थ्रू दिस वी कम टू एन एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस और आवर प्रीवियस क्लासेस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट टिल देन टेक केयर गुड बाय